हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है होलिका दहन, तो आज अभी हम लोग जाएंगे होलिका दहन का जो हमारे कार्यक्रम है नीचे है। बच्चे लोग तैयारी करते हैं हर साल की तरह, तो इस साल हम लोग जाएंगे। खैर लास्ट ईयर गया साल हम लोग नहीं सेलिब्रेट किए थे होली, जैसे कि आपको मैं बताई थी उस समय, आपको नहीं पता होगा तो देख लेना वो ब्लॉग, मैं इसमें कहीं डाल दूंगी। फिलहाल मैं ये पुराना वाला सूट पहनूं क्योंकि अभी जाएंगे पूजा करने, तो वहाँ होली वगैरह खेलेंगे सब लोग, तो रंग वगैरह लग जाएगा ना, तो दैट्स व्हाई। और खाना बनाना है मेरे को, तो मेरी जो बड़ी जेठानी है वो भी अभी आएगी, तो उनके लिए थोड़ा मैं खाना बना दूँ ऐसे मैं सोच रही हूँ। और पकवान में सिर्फ गुजिया बनाने का प्लान है, और मैं कुछ बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी मैं गुजिया बनाना शुरू करूंगी रात में ही। पूजा वगैरह कब शुरू करते हैं हम देखते हैं। और जो मेरा नया कढ़ाई मैं लेके आई थी जो वो ऊपर में, तो उसको मेरे हस्बैंड निकालते हैं। उसके बाद मैं जो गुजिया बनाना है वो शुरू करूंगी, उसका जो सूजी का काम है वो करूंगी। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या क्या कर रहे हो, कमेंट करके बताइएगा। मैं जैसे सेलिब्रेट करते जाऊंगी, जो जो करते जाऊंगी काम वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, जो जो काम होता है वो सब दिखाती हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आज जो होलिका दहन का कार्यक्रम है रात का वो नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल तक वो सुबह करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो मुहूर्त है वो 1 बजे के बाद है, तो उस समय तक तो कोई नहीं आ पाएगा, तो सुबह आ जाएंगे सब लोग, तो सुबह करेंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अपना जो खाना पीना बनाना है वो सब बनाऊंगी, अपना जो काम है वो करती हूँ और दिखाते जाऊंगी आप लोगों को। तो शायद कल का होलिका दहन के कार्यक्रम मिले हम, ठीक है। अभी क्या क्या काम चल रहा है वो दिखा देती हूँ। तो सुबह जिस दिन होली थी उस दिन हमारे यहाँ होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मुहूर्त 1 बजे था रात का, तो बच्चे लोग डिसाइड किए थे कि सुबह जल्दी 7 बजे करीब जो होलिका दहन का कार्यक्रम वो कर देंगे, तो वो लोग आ गए थे सब। तो अब हम लोग जा रहे हैं, जो मोहल्ले की लेडीज़ लोग हैं वो जाके पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद जो होलिका दहन का कार्यक्रम है वो करेंगे। और बाकी सब जगह तो जैसे रात में होलिका दहन का कार्यक्रम हो गया, क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच था मुहूर्त, तो उस समय आप कर सकते थे, पर पता नहीं ये बच्चे लोगों को थोड़ा सा कोई मिसगाइड कर दिया, तो दैट्स व्हाई लोग कर नहीं पाए। और अभी सुबह सब आ गए हैं, तो ये होलिका दहन कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो हमारा जो होली का कार्यक्रम है वो करेंगे हम लोग घर में, और खाना वगैरह बनेगा आज और सब आएंगे, तो इसलिए फटाफट जो काम है वो हो जा रहा है आज, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे सबके सब। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो मेरी मदर इन लॉ जस्ट अभी नहा के आई थी, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी पूजा करने के लिए, तो पहले मैं कर ले रही हूँ फिर वो आके करेंगे। और सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे पूजा करने। खैर जैसे रात में जब होता है होलिका दहन भीड़ होता है, वैसे नहीं हुआ, क्योंकि सुबह लोग जल्दी उठते नहीं हैं, उनके घर के काम काज रहते हैं, तो डेट्स वाई कोई आया नहीं ज़्यादा लोग, हम ही लोग थोड़े बहुत दिखे, ज़्यादा लोग आए ही नहीं। कोई बात नहीं, अब देखेंगे अब आने वाले साल कैसे होता है, मुहूर्त वगैरह क्या रहता है। थोड़ा सा बच्चे लोग बोल रहे थे कि हम लोग कन्फ्यूज़ हो गए, डेट्स वाई हम लोग नहीं कर पाए, नहीं तो रात में ही हमारा मन था कि हम लोग कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं पूजा पाठ, और बने रहिए मेरे साथ, और आगे आगे मैं आप लोगों को दिखाते जाऊंगी जो भी कार्यक्रम होता है। और आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो यहाँ पे जो होलिका दहन का कार्यक्रम है वो हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और बहुत ही कम लोग आए थे क्योंकि सुबह 7 बजे सब लोगों को आना बहुत ही मुश्किल है। शाम के समय रहता तो बहुत सारे जो लेडीज़ है वो सब आए रहते हैं, क्योंकि सुबह आना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि घर के काम रहते हैं, पानी वगैरह भरना रहता है और त्यौहार का दिन है तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो डेढ़ सारे लोग नहीं आ पाए। खैर अब हम लोग घर जा रहे हैं और घर में सबसे पहले होली खेलेंगे बाकी बिहारी के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग तैयारी किए थे, देख सकते हैं आप लोग, और होली खेले बाकी बिहारी के साथ। और हमारी दिली इच्छा है कि कभी तो हमें बाकी बिहारी बुलाए मथुरा वृंदावन और हम वहाँ पर होली खेलें और होली वाले दिन हम वहाँ रहें। तो देखते हैं कब बाकी बिहारी हमें बुलाते हैं और हम जाके उनके साथ होली खेलते हैं। तो यहाँ पर होली सबसे पहले जो है बाकी बिहारी के साथ खेल लिए हैं, अब हम लोग जाएंगे नीचे। हैप्पी होली। और यहाँ पे ठाकुर जी, इनके साथ हम लोग होली खेले, उसके बाद खुद खेले हैं और यहाँ ये मोबाइल चला रहे हैं। नीचे जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और मैगी बच्चा यहाँ सो रहा है क्योंकि उसको नींद आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है इसलिए शायद यहाँ सोती है यहाँ के। मैगी हेलो बोलो। हेलो। तो अब हम लोग आ गए नीचे और जो बच्चे लोग की होली है वो शुरू हो गई है और मैगी को भी लेके आए हैं तो वो सबको देख के भूख रही है और पूरा कलर कलर है ना, इसलिए उसको नीचे नहीं जाने दे रहे हम लोग, ऊपर में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे लोग होली खेलना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। और हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने। तो यहाँ पे होती है बच्चे लोगों की होली समाप्त और हम लोग भी बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट किए और बहुत सारे एक्टिविटी के खाना बनाए, खाना पीना खाए। लेकिन मैं व्लॉग बनाना भूल गई क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। आई होप आप लोग समझ के लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो भी हमारे घर में एक्टिविटी है उसकी फ़ोटो लगा दी हूँ और ये जो व्लॉग है होली का मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है पता ही है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों की होली कैसे रही। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुशी से अपना जीवन इन्जॉय करते रहिए।